जान मार मेडम कि तहर तजरा कटार देखी बहनी बीमार मेडम देवता के पूजा भई इन बुखर पूजा भई शत्रुधन प्रसाद यादव जी, 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 जी एक आवश्यक सूचना है तिलकहरू लो तिलक चढ़ा ले तो जल्दी से जा लो गाड़ी खुलती है ना दे ये राजी बोलो जितने भी जो लोग भी अपने बहन के लिए आए थे अपने अपने बीवी के लिए निकल जाए ये देखिए छोटू है ये पवन भाई के साले अच्छा साले हैं हमारे पवन जी के क्या नाम है आपका मोनू मोनू जी चलिए भगवान करे कि भगवान आपको आपके गांव में जितनी बहनें हैं सारे बहनों का यही रखेंगे आप नवादा के लोग बड़े करेंगे आप एक तो आप लिए पूरा पूरा गाँव पे आप ही का कब्जा रहेगा और भी तो गाँव में बहने होंगी ना देखिए सार संसार होता है अब घबराइएगा मत हम आपको गाली नहीं दे रहे हैं हम भी किसी के सार हैं तो ये दुनिया का दस्तूर है कि हम किसी के लेके आते हैं तो अपना भी कहीं देते हैं लेकिन आपके गांव में थोड़ा सा माल अच्छा अच्छा है बुरा मत मानिएगा हम भी आपके पाहुने लगेंगे इसीलिए मजाक कर रहे हैं हमारे यहाँ तो शादी ब्याह में लोग गाली सुनने के लिए पैसा भी देते हैं माता बहन बेटी से सुनने के लिए हमारे परंपरा में गाली है आजकल लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं ना कि अश्लीलता है अश्लीलता है अश्लीलता नहीं है भाई हमारे परंपरा में भी गाली है राम जी को भी गाली सुनना पड़ा था हमारे ही बिहार से तो ये जिंदगी का दस्तूर है और ये मजा है इसको कौन किस हिसाब से ले रहा है अगर गलत साबित करना चाहे तो हर आदमी को गलत साबित कर देगा जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ कोई किसी का नहीं है बेटा पतोह का है बेटी दामाद की है शरीर शमशान का है और जिंदगी मौत की है यही सच्चाई है पूरे जीवन धन धन करते रहिए और लास्ट में आपके मरने के बाद निधन ही लिखाने वाला है हम किसके लिए लड़ाई करते हैं जिंदगी में यहाँ जो पैसे कमाइएगा ना यही खर्चा हो जाएगा वहां क्या खर्चा होता है ना उसके लिए भी इंसान को मेहनत करना चाहिए तो जिंदगी में वहां के लिए भी कुछ पैसा जमा करिए और वहां पैसा ये नहीं चलता ये पैसा वहां नहीं चलता ये यहीं रहने जाना है ये सच्चाई है कि पैसा घर तक घर वाले घाट तक इससे ज्यादा कोई नहीं जाता है तो जिंदगी है सोच समझ के अपने आप को हमेशा कुशल रखिए ताकि आपको किसी से प्रॉब्लम ना हो अगर प्रॉब्लम भी है दुनिया कहती है फलनवा बुरा है अरे वो बुरा है ना तुम्हें अच्छा होने से कौन रोका है तुम अच्छे हो जा क्या फर्क पड़ता है तो ये जिंदगी है आई तू सब जनी बैठ जा तू रुक जा आप लोग थोड़ा देर बैठ जा एक सेट चोंगा देते हैं और एक रिकॉर्डिंग कर देते हैं रिकॉर्डिंग में ना चाहेंगे ना खुद ले रहता चला दूसरा पार्टी के आदमी होकर कहेंगे बोलता जी कहीं चुप रहो की जा नहीं होता कलाकार का कोई धर्म नहीं होता नहीं तो गावे खाती इतना कुछ बजे गाई तो आदमी कितना लोग पागल हो जाए लेकिन ठीक है सबका अपना बात रखने का तरीका होता है सब लोग रखते हैं और कोई भी गाना होता है तो लोगों के मनोरंजन के लिए होता है इस दुनिया में कोई भी चीजें अगर कोई कलाकार करता है तो वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं किसी पॉलिटिकल चीजों के लिए नहीं बल्कि वो आपके मनोरंजन के लिए करता है तो उसको मनोरंजन के हिसाब से लिया जाए आई आ जा लो एक दो जनी आ जाए अच्छा है बोलो तो सब जनी आ जा आइए सब लोग अरे बाप रे आप लोग पैर मत छोइए आप लोग कलाकार आदमी हैं बस आप लोग भगवान करे आप लोग ऐसे बढ़ते रहिए मेरी शुभकामना सबके साथ अभी आप बढ़ जाओ बाद में आपको नचाएंगे आपको स्पेशल नचाएंगे सबको प्रणाम सबको प्रणाम सबको सबको बाबू ऐसे ही खुश रहिए आप लोग ऐसे ही खुश रहिए अभी बताओ लो हमने खाली नसीब के होके बा एगो लड़की मिल जाला तो गांव भर लड़का पकला जाला सा हमारा लगे नौ नौ गो बड़ी सा
अब सोचो कि हम कितना बर्दाश्त करत हो कब अपने आप के। अच्छा ठीक भाई, नहीं लगा तो तोहरे हैं हम, एकर कोनो जरूरी नहीं है। पवन भाई हमार हमें पवन भाई के हम ठीक बा। एगो गाना हमार रिलीज भइल बहुत प्यारा रुवा सबके बीच में, कि एगो बात बताइए तो बताए देबू का। म्यूजिशियन में थोड़ा सा साउंड दे दी। वो बड़ा से रिकॉर्डिंग ना सोत लगा। हाँ अच्छा, चलिए भैया थोड़ा सा साइड अगर होंगे तो सब लोग अच्छे से, बड़ा प्यारा लगेगा। मंच को थोड़ा सा खाली रख दीजिए। इधर से भी आप लोग बाउंसर भाई लोग या तो आप बैठ जाइए, नहीं तो नीचे लोगों को देखिए, क्योंकि इधर लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती होगी ना। इधर से बाबू पीछे हो जा, विनय विनय पीछे हो जा, यहाँ से लोगों को हटा दीजिए, यहाँ से लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। हाँ यहाँ से सब लोग हट जाइए। ओके चलिए नवादा, हेलो ये नवादा के धरती पर हम कोनो पहली बार ना, ये नवादा के धरती पर सबसे बड़ा कार्यक्रम हम आज से कुछ दिन पहले कैले रहे। आज हमनी के कार्यक्रम करे ना, बल्कि हमरा लागत है अपने भाई के तिलक समारोह में बस हम न्योता करे खातिर आयल बनी। एजीरवा सबके और वो लोग इतना संख्या में आ भी गए तो हमनी खाती अच्छा बात, बाकी अगर गायब जाए तो कम से कम सुने वाला कम से कम 40-50 हजार लोग आयल बा। नहीं तो पिछली बार तो हमारा लगता है कि 15 लाख से ज्यादा लोग रहे, लेकिन आज तिलक समारोह बा हमनी के अचानक से आवे के प्रोग्राम बन गए हमारो। न तो हमहू शूटिंग में ज्यादा व्यस्त रहनी, अब गाना उना तो गावते नहीं थी, कमे गावत रहनी। हेलो हेलो, लेकिन फिल्मिया टाइम से हो जाता। हेलो आई लव यू फोर तबला में तबला पे दे दीजिए। उससे पहले हमारे बड़े भाई छोटू छलिया जी, जो कि हम लोगों को बहुत प्यार देते हैं, और भैया का आदर सम्मान हमेशा हर कलाकार इसलिए करता है कि भैया की तरफ से हमेशा एक बड़े भाई की तरह आशीर्वाद और स्नेह प्यार दुलार मिलता रहता है। और हमारे पवन भैया जिनका आज तिलक समारोह है, हमारे पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से, पूरे कलाकार बंधुओं की तरफ से इस दुल्हा दुल्हन के जोड़ी को हजारों हजार बरी सलामत रहे, इसकी हमेशा शुभकामना और दुआओं में हमेशा रखेंगे। मैं चाहता हूं कि जिनके वजह से आज हम लोग इस जगह पे आए हैं, पिछली बार भी मैं पवन भाई की वजह से ही आया था यहाँ, और इस बार भी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद मिला आज उनके ही वजह से, तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि आपके जिला में आपके घर में पवन भाई जैसा एक ऐसा इंसान है जो कलाकारों के दिल में रहता है। उनका अस्पताल भवे मैक्सो मैक्सो, हमने के सर्दियों खांसी होला तो वही जी जाई ले जा। भाई 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 आप लोग सामने आ जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, इधर बहुत सारा जगह है, नहीं तो इधर भी आना पड़ेगा। तिवारी बाबा ने किया इनका, तिवारी जी ने किया ये ठीक बन, तू बड़ा केहू होके के चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा देखा हो बेसुबह में राजन भाई के दुखी मत कर, देखाई रिबोक पहनले बड़े तहर बनल हो शर्मा जी, टाके में बढ़ा दे शर्मा जी के, लाइन दो बाबू। आज महिलाएं बहुत सारी हैं। अरे पंकज बाबा कैसे हैं बाबा, बाबा बाबा कैसे हैं आप? थोड़ा सा तबला पर दे दे, तबला पर शर्मा जी के हृदय जी के ओमेल अभी लाइने नहीं खेल, तबला वाला पर लाइन नहीं खेल देख ला। हाँ
बढ़ाओ बढ़ाओ करके बढ़ाओ। ये काहे बाद में आवाज करता हो, डीले बकाए में बदल गई बका देखो।